कांग्रेस शासित इस राज्य में बैन हो सकती है कंगना रनौत की फिल्म। इमरजेंसी पर बढ़ रहा बवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर बैन की तलवार लटक रही है। खबरें हैं कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकती है। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हाल ही में SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी फिल्म प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा था। तेलंगाना में बैन पर विचार कर सकती है सरकार। तेलंगाना सिख सोसाइटी के 18 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान फिल्म में सिख समुदाय के चित्रण पर चिंता जाहिर की गई थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि फिल्म में समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। खास बात है कि तेलंगाना में सिख समुदाय कुल आबादी का 2% है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि तेलंगाना मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को वादा किया है कि उनकी सरकार इमरजेंसी फिल्म पर बैन लगाने पर विचार करेगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार शब्बीर ने कहा, सिख समुदाय ने जोर दिया कि देश के सैन्य बलों में करीब 12% सिख हैं, जिसमें से कई ने देश की सुरक्षा के लिए जान कुर्बान कर दी है। फिल्म प्रचार की सामग्री को लेकर उन्होंने और खास तौर से सिख युवाओं से नाराजगी जाहिर की है। अकाली दल ने भी उठाई मांग। शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई ने केंद्रीय फिल्म प्रमागण बोर्ड CBFC से अपील की है कि कंगना रनौत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी के रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह सांप्रदायिक तनाव भड़का सकती है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री रनौत ने फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। यह फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने बुधवार को सेंसर बोर्ड को लिखे पत्र में कहा कि हाल ही में जारी फिल्म के ट्रेलर में त्रुटिपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य देखे जा सकते हैं, जो न केवल सिख समुदाय को गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि नफरत और सामाजिक वैमनस्य भी फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का चित्र न केवल भ्रामक है, बल्कि अपमानजनक तथा पंजाब एवं पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुँचाने वाला भी है। सरना ने कहा, इस फिल्म से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और गलत सूचनाओं का प्रसार होने की आशंकाओं में मद्देनजर मैं CBFC से अनुरोध करता हूं कि इसकी रिलीज पर रोक लगाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करें।